समय समय खराब कुछ नहीं है, समय क्या ही खराब हुआ, समय तो बढ़िया ही है। क्यों समय खराब होने से क्या ही होता है, बढ़ते रहना है तुमने आगे। समय खराब हो या जैसा भी हो, बढ़ते रहो आगे, करते रहो कार्य, करते रहो कर्म, करते रहो अपना बढ़िया रहो। ये कौन आया हमारे घर पे, आए तो बताओ, ये तो बताओ कौन आया, छोटा सब्सक्राइबर आ गया घर पे, इधर तो आओ, कहाँ जा रहे हो तुम। देखो भाई बात ऐसी है, ठंड में नहीं नहाया जाता है, लेकिन अरे यहाँ पे लाइट आ रही है, अच्छा गलत बटन दबा दिया था मैंने, स्विच गलत खोल दिया था। सीन यह है कि भाई ठंड में नहीं नहाया जाता है और गर्मी में भी नहीं नहाया जाता है, क्योंकि भाई उबलता हुआ पानी आता है, उबलता हुआ नल के अंदर, तो भाई इसलिए वो भी नहीं नहाया जाता है। तो कहने की बात यह है कि भाई नहाए नहीं है हम, सुबह से 12:30 बज रहे हैं लेकिन हम नहाए नहीं है, क्योंकि भाई उबलते हुए पानी से हमें नहीं नहाना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। और सीन ये भी है कि एक ना ये फ्रिज, हमारी फ्रिज ख़राब हो चुकी है, ये पूरा खाली कर दिया हमने और इसमें से बंद कर दो, स्मेल बहुत गंदी आ रही है, बंद पड़ी है ना तो इसलिए स्मेल बहुत गंदी आ रही है। तो ये कल रात में ख़राब हुई, तो उसको हमने कल रात में दिखाया भी, तो कल देखने आया तो भाई साहब कंप्रेसर ख़राब बता दिया इसका कंप्रेसर, तो कंप्रेसर अगर ठीक कराने जाएं तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो इससे बढ़िया पापा सोच रहे हैं कि उसका पता भी नहीं कंप्रेसर कल चलो चेंज भी करवा दे, लगवा भी लिया तो कितना क्या चलेगा। तो सीन ये है कि पापा बोल रहे हैं कि नया ही ले लेते हैं, देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई बढ़िया है, अपना क्या ही है, लेकिन खर्चा बढ़ जाएगा खर्चा बढ़ जाएगा। ये भी सीन है कि भाई फ्रिज ख़राब हो गई, एक जादू और हुआ मेरे घर में, मतलब हमारे घर में एक जादू और हुआ है। जादू ये हुआ है कि जो मेरा पुराना फ़ोन था ना, तो भाई ये अपना आप ही रखे रखे चालू हो गया। पहले इसमें कुछ ऐसा आ रहा था ना कि मतलब, अगर आपने वाला ब्लॉग नहीं देखा जिसमें मेरा जाते जाते बांग्लादेश जब मैं जा रहा था और रात में हमारा फ़ोन ख़राब हो गया था, तो वाला ब्लॉग भी देख लो, उसमें पता लग जाएगा कि क्या हुआ था। तो ये चालू नहीं हो रहा था, अब रखे रखे 15-20 दिनों बाद ये अपना आप ही फ़ोन चालू हो गया, अपना आप ही फ़ोन चालू हुआ है। देखो सब कुछ चल रहा है इसमें, अब नया फ़ोन लेंगे अब तो, अब हमारा लेकिन इसकी हालत देखो भाई, इसकी हालत देखो कैसे हो रखी है, देख रहे हो टूटा फूटा सब कुछ, स्क्रीन टूटा हुआ है, इधर ये चीज़ें टूटी हुई हैं, कहाँ गई, इधर से चीज़ें टूटी हुई हैं, ये देखो कहाँ से दिखेगा, ये देखो ये टूटा हुआ, ये सब टूटा हुआ है। इस फ़ोन से मैं ब्लॉग करता था, इस फ़ोन से, लेकिन अभी मम्मी वाले फ़ोन से मैं ब्लॉग करता हूँ। सीन है यहाँ पे चल रहा है मेरा ब्लॉग, कूलर भी यहाँ रखा हुआ है, ख़राब फ्रिज भी यहाँ रखी हुई है, सब कुछ यहीं पड़ा ही है, सेटिंग इन्होंने अपना आप ही चेंज कर दी, कुछ पता नहीं कि क्या सेटिंग करी है, बस कर दी सेटिंग चेंज, समझ में नहीं आ रही क्या सेटिंग चेंज करी, यहाँ पे आगे लौट गए है और कुछ नहीं करना इन्हें, पता नहीं कौन सा छुटकू से मिल के आ जाते हैं, कौन से कौन से, जैसे गली में फोटो खींचे था। अच्छा वाह, अरे वाह, हम ऐसे खींचते रहते हैं फोटो, हर किसी की फोटो खींचते रहते हैं हम, हमारा और कुछ नहीं है। बाकी और क्या हुआ, मम्मी का फ़ोन चालू नहीं हो रहा था, वो भी फोन ने फ़ोन चालू करा दिया, लेकिन चल नहीं रहा तुम्हारा भी फ़ोन, मम्मी का ये वाला फ़ोन है सैमसंग का, मतलब ये पता नहीं क्यों सही करवाया था, बस करवा लिया, पैसा डालने हर किसी को, तो वो भी डाल दिया, पैसे भी डाल दिया, सब कुछ करवा दिया, फिर भी इसका टच मेरे को इतना टच यहाँ कम है, बहुत बेकार लग रहा है टच, सीन टच की है तो बहुत बेकार टच है, उसको बार बार टच करते रहो जब जाके खुलता है, वरना तो नहीं खुलता। इनका व्हाट्सअप नहीं चलता, इनका व्हाट्सअप चालू करा दिया, व्हाट्सअप तो तुम्हारा चालू हो गया, व्हाट्सअप तो चालू हो गया, मैसेज तो अभी इतने नहीं आ रहे ना, तो मैसेज क्यों आएंगे अभी इतने, तो ग्रुप तो हट ही जाएगा, अब क्या है ग्रुप कैसे आएगा इसमें, तो उनको बोलो तुम्हारा ऐड कराने को, मम्मी को दिक्कत है कि भाई ग्रुप हट गया व्हाट्सएप से, इनकी जो मंडली का जो ग्रुप था वो उनसे ये बाहर हो चुकी है, इनको निकाल दिया गया, बर्खास्त किया जाता है इन्हें, बर्खास्त है ना, बर्खास्त बोलते, बर्खास्त बर्खास्त किया जाता है, और क्या नहीं चला तुम्हारा, कोई तो देख ले कैसे होएगा ग्रुप में कैसे आएगा, और मुझे क्या पता, उनको ही बोल रहा है कि ऐड करने को, हमें क्या पता,
जो भी है उन लोगों अपना ने, पढ़ गया। पता नहीं मुझे कि क्या है आजकल व्हाट्सएप का भी कुछ अलग से सीन चल रहा है, समझ में नहीं आता वो भी चीज है। तो मम्मी का फोन चालू करते हैं तो फिर इसमें मिलते जैसे हैं, वो साइन आता था इसके अंदर, जैसे क्या ये सीन आता जैसे हमने ये कॉल करी ठीक है, था। अब हमने जैसे मान लो अखिल को फोन कर रहा है हाँ ठीक है, अब जैसे ये आ रहा है हाँ इसमें व्हाट्सएप को, व्हाट्सएप का साइन हर नहीं है फोन ना। का अलग अलग रहता है, हर फोन का अलग अलग तो है भाई, जरूरी इसका थोड़ी अलग ना एक है। फोन का एक जैसा ही रहेगा, हाँ हर चीज का और अलग अलग है। ठीक है तो भाई अभी लग हाँ रही है गर्मी, क्योंकि भाई कर रखा पंखा बंद, वरना भाई इस फोन के ब्लॉक में आवाज नहीं आती, पंखे की ज्यादा आवाज आती है। तो सीन ये है कि चालू करते हैं फोन वोन चीजें, और गर्मी बहुत लग रही है इसमें तब आवाज पंखा भी कम चला है, लेते हैं, इसमें आवाज भी कम है। आवाज भी कम है। तो और क्यों तो चालू कराया है फोन क्यों चालू करवाया तूने क्यों ये लिया मेरा? मैं तो नया फोन लेंगे, नया फोन भी लेना है, नई फ्रिज भी लेनी है, एसी भी खराब हो रहा है हमारा, एसी कुली कूलिंग नहीं कर रहा है, ठंडक नहीं कर रहा है, सारी चीजें खराब हो रही हैं, बस बताओ अभी खराब नहीं है, हैं? हम भी बस खराब ही हो रहे हैं, हमारे टूटे फूटे हैं हम भी और क्या, हम भी खराब हो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, सारी चीजें खराब हो रही है घर के अंदर, पता नहीं क्या हो रहा है, बस यही हो रहा है, खराब खराब हो रही है सारी चीजें, सब खराब हो रहा है। समय खराब चल रहा हमारा। समय समय खराब कुछ नहीं है, समय क्या ही खराब हुआ, समय तो बढ़िया ही है, क्यों समय खराब होने से क्या ही होता है, बढ़ते रहना है तुमने आगे, समय खराब हो या जैसा भी हो, बढ़ते रहो आगे, करते रहो कार्य, करते रहो कर्म, करते रहो, बढ़ना बढ़िया रहो भाई। ये देखो ये दाढ़ी में भी मूछों में सफ़ेद बाल, एक ये सफ़ेद बाल, ये रहा वाह, दाढ़ी मूछों में सफ़ेद बाल आ गया। ये कौन आया हमारे घर पे, अब कौन आया तो बताओ, बात तो करो ये तो बताओ तो कौन क्या आया हो, क्या है भाई, बात कौन करो भाई, सीरियस कौन भाई, कौन हो, कौन भाई, किन्होंने बुलाया है तो बता दो, आंटी ने बुलाया है, पूछो तो सही कैसे हो भैया। तो तुम मेरे को मिस कर रहे थे हैं भाई, उनकी दीदी तो ज्यादा मिस कर रही थी हैं, और क्या हुआ, तुमने तुम्हें तुमने वीडियो तो देखी नहीं हमारी, देख ली थी देख ली थी दीदी के क्या, साथ देखी कौन सी देखी वीडियो मेरी, जो आपने दीदी ने पुरानी वाली आपकी चलाई थी, पुरानी वाली चलाई थी, नई वाली नहीं देखी, बांग्लादेश वाली नहीं देखी, आपने भेजी नई वह भेजी क्या भेजी थी तो देखी है? देखी थी आपने भाई, सब्सक्राइबर आ गया हमारे, छोटे छोटा सब्सक्राइबर आ गया घर पे इधर तो आओ, कहाँ जा रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो, घर जा रहे हो, ये घर नहीं है, हाँ भाई ये घर नहीं है, क्या है ये, भूत खाना है, अच्छा तुम्हारा घर, तो तुम्हारा कौन सा घर है तो बताओ, फ्लोर में है ये ऊपर वाला, सबसे ऊपर छत पे सोते हो, तो थर्ड 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 फ्लोर है भाई इनका, थर्ड फ्लोर ठीक है भाई चलेगा हाँ बोलो है? यूट्यूब तो उसमें आता है, मोबाइल में आता है ना, यूट्यूब प्ले बटन अभी कहाँ है, तुम देखोगे जब ही, तो देखो इसका चेहरा कैसा लग रहा है, सेब सेब हो ना, कश्मीरी सेब एप्पल, कश्मीरी एप्पल ऐसा है, देखो भाई ये वीडियो बन रही है, अभी ये कह रहे वीडियो डाल दो यही वाली, अभी ये कल डालेंगे, आज कैसे डालें ये, कल डालेंगे ये वाली वीडियो, देखना ये वाली देखना और लाइक ठीक है। तुमने अभी तक तो बांग्लादेश वाली देखी नहीं, बांग्लादेश पता किधर है, देखी थी आपने बांग्लादेश, बांग्लादेश किधर है, किधर है बांग्लादेश नहीं पता तुम्हें, तो गए हो कभी बांग्लादेश, बांग्लादेश नहीं जाओगे, जाओगे बांग्लादेश नहीं जाओगे, कहाँ जाओगे, तो पढ़ते हैं ये कहीं नहीं जाओगे, घर में जाओगे, घर जाओ, देखो ये देखो ये बांग्लादेश वाला, ये नीचे वाला, ये ये दुबई की है, ये दुबई गए थे भैया, ये दुबई है, सारे देख रहा उतार उतार के, यस ये कंप्यूटर की है, हमारे घर पे आके कह रहा है दो ही है, और ले लो तुम, ले लो यहाँ से, ले लो तुम, ले लो तुम, ले लो, दीदी डांटे डीटी क्यों डांटेगी, क्यों तो रहने दो मतलब मम्मी भी डांटेंगी दीदी भी डांटेंगी, पहले मम्मी से पूछ लेना ठीक है, ले लो तुम, ले लो यहाँ से, बांग्लादेश वाला ले लो, ले लो बांग्लादेश खरीद खरीद लो तुम, बांग्लादेश बांग्लादेश खरीद लो भैया, तो दुबई ले लो, दुबई खरीद लो तुम, दुबई खरीद लो, जाओ मम्मी गुस्सा करेगा तो दे जाना ठीक है, दुबई ले जाओ,
नहीं दूसरा करेंगे तो लगा दूसरा ले आएंगे जब कहीं जाएंगे तुम्हारे लिए दूसरा ले आएंगे तुम्हारे लिए आएंगे मम्मी लालच दे रही है बाय 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 चलो भाई चला गया भाई सब्सक्राइबर आके हमारे घर पे देख दाख के सब चलेगा मम्मी डांटेंगी भाई टाइम हो रहा है रात के 8:30 बजने वाले हैं 8:22 कह लो उसको 8:22 हो रहे हैं जब भाई 8:22 हो रहे तो भाई डिनर टाइम मतलब भूख लग रही है बहुत तेज की तो डिनर करते हैं और फिर उसके बाद में क्या उससे पहले भाई साहब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है बहुत ज़्यादा मैं तो सोच रहा हूँ नहा लेते हैं और अपना ये दिनचर्या यहीं पे ख़त्म करते हैं आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को बाकी मैं मिलता हूँ आपको कल से फिर एक नए ब्लॉग के साथ में बाकी बाय और गुड नाइट